हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैरियर पोर्टल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे एक बार फिर से काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। काफी अच्छी और बिग एमएनसी और सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कंपनी की तरफ से काफी बिग अनाउंसमेंट आ रही है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये आज की होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिले। और यहाँ पे आपको मैं दिखेगा, मैं डेली ऑनलाइन कैरियर पोर्टल पे वीडियो अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू ऑफ कैंपस ड्राइव एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन, जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फटाफट सब्सक्राइब कर देना और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आ रही है, जोहू जैसे बिग कंपनी की तरफ से आ रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए कंपनी यहाँ पे हायरिंग कर रही है। तो यहाँ पे काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए होने वाली है, जो जैसे बिग कंपनी की तरफ से रोल भी काफ़ी अच्छा और बिग होने वाला है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कंपनी यहाँ पे हायरिंग करने वाली है, फटाफट जाके अप्लाई कर देना। अगर आपके पास 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सब यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। अगर आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या आपके पास मैक्सिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब भी आप जो जैसे बिग कंपनी में फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है उसकी भी डेट अनाउंस कर दी गई है। वर्क लोकेशन की बात करें, चेन्नई लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है, बट आपको लोकेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट आपको क्या देखना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने कैरियर को किसी अच्छी और बड़ी कंपनी के साथ, बड़े रोल के साथ अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहिए और अपनी लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद अब अपने पर्टिकुलर अपने फेवरेट लोकेशंस में रीलोकेट कर सकते हो। तो लोकेशंस के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि चेन्नई जैसे बिग लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है तो आप चेन्नई जैसे लोकेशंस के लिए कंफर्टेबल हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए जो असेसमेंट टेस्ट की लिंक है वो आने वाला है। अगर आप असेसमेंट टेस्ट की लिंक को क्लियर करते हो, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाता है, तो फर्दर जो यहाँ पे राउंड होगा आपको मेल कर दिया जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तब वहाँ पे सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी होने वाली है, काफ़ी अच्छी बड़े रोल के लिए हायरिंग कर रही है। तो फटाफट जाके आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है 9 जुलाई 2022 को और 16 जुलाई 2022 को होने वाला है। दो डेट में से एक डेट को आप चूज कर सकते हो, अगर आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट 2023 बैच के हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट जिनके पास 0 ईयर 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2021, 2020 और 2022 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप सब यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप जिस भी डेट में आप कंफर्टेबल हो टेस्ट को देना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू द 9 जुलाई 2022 या 16 जुलाई को आप जाके दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप डिस्क्रिप्शन में मैंशन की गए हैं, बेसिकली ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसी बेसिस पे आने वाले हैं। आपको जाके फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉलेज नेम, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। अगर ऑलरेडी आप किसी कंपनी में इनरोल हैं, किसी कंपनी में आप वर्क प्रोफेशनल हैं, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अपना करंट एम्प्लॉयर आप बता सकते हो, टोटल आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है, आपकी करंट CTC क्या है उस कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन किए हो, एक्सपेक्टेड यहाँ पे CTC क्या है, LPA में आपके नोटिस पीरियड क्या है, करंट आपकी लोकेशन क्या है। तो काफ़ी बेसिक सा फॉर्म होने वाला, फटाफट जाके फिलअप करके सबमिट कर देना। काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी ये होने वाली जो जैसे बिग कंपनी की तरफ से, तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है, विप्रो कंपनी की तरफ से आ रही है, काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है। और विप्रो कंपनी बेंगलुरु लोकेशंस के लिए, पुणे लोकेशंस के लिए फॉर डेवलपर रोल के लिए हायरिंग कर रही है। काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, बिग रोल के लिए हायरिंग कर रही है, डेवलपर जैसे बिग रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। एनी ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी परसेंटेज को लेके कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है, बट मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 60% या उससे अबव होना चाहिए। अगर आपका 60% या उससे अबव है तो आप सब यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, बैच को लेके कंपनी के द्वारा कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है, बट अगर आप फ्रेशर हो
फटाफट जाके अप्लाई कर सकते हो, जाके अप्लाई कर देना, सिंपल सा फॉर्म को आपको फिलअप करके सबमिट कर देना, काफ़ी इजी प्रोसेस होने वाला है, जाके अप्लाई कर देना। इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना, और अभी तक लिंक्डइन प्रोफाइल भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप से लिए कंपनी डायरेक्ट हायरिंग करती रहती है, पोस्ट डालती है, उन सारी पोस्ट को मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो फटाफट जाके फॉलो कर लेना और चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है इन्फोसिस कंपनी की तरफ से आ रही है, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, जैसे बिग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। एनी ग्रेजुएट्स अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू वांट टू ग्रो योर सेल्फ, या अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इन्फोसिस में प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए तो अप्लाई कर सकते हो। बेंगलुरु जैसे बिग लोकेशंस के लिए कोई भी एनी ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना और चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब होने वाली जीटा जैसे बिग कंपनी की तरफ से आ रही इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे हायरिंग कर रही है एचआर टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु जैसे बिग लोकेशंस के लिए जीटा कंपनी हायरिंग कर रही है एज ए इंटर्न, यहाँ पे हायरिंग होने वाली है। और यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एमबीए इन एचआर आर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचआर प्रोसेस होना चाहिए। तो बेसिकली ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो एमबीए बैच के स्टूडेंट है एमबीए इन एचआर में होना चाहिए और गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचआर प्रोसेस होना चाहिए, और बी बी टेक इन आई टी सी एस और गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ एच आर एम एस प्लेटफॉर्म विल वर्क विद एम एस सूट गूगल सूट प्रोडक्ट लाइक एम एस एक्सेल गूगल सीट ई सी टी की आपको अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और भी अबाउट द कंपनी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कंपनी के बारे में, अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जीटा जैसे बिग कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो इंटरेस्टेड हो तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और यहाँ पे बी बी टेक सी एस आई टी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जाके अप्लाई कर देना और शेयर कर देना जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, ताकि इन सारी जॉब अपॉर्चुनिटी की जो एडवांटेज है जो बेनिफिट है उन सारे स्टूडेंट को मिल सके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब होने वाली है मार्केल सुकृति जैसे बिग कंपनी की तरफ से आ रही, जो कंपनी अभी हायरिंग कर रही है एसोसिएट डेटा एनालिस्ट जैसे बिग रोल के लिए हायरिंग हो रही है। पूरे महाराष्ट्र जैसे बिग लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है एक्सपीरियंस में फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन एनी लोकेशन प्रेफर्ड, पुणे प्रेफर्ड है यहाँ पे। पुणे लोकेशंस के लिए होने वाले स्किल रिक्वायर की बात करें आपको एक्सक्यूएल पावर बीआई टैब्लू पाइथन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एसोसिएट डेटा एनालिस्ट में अप्लाई करना चाहते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें बी बी टेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस प्रेफर्ड, आल्सो ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स स्टेट्स मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, फटाफट जाके अप्लाई कर देना, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब होने वाली काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी की तरफ से आ रही है, जो रोल होने वाला डेटा एनालिस्ट प्रोसेस ट्रेनिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। गुड़गांव हरियाणा इंडिया और नोएडा उत्तर प्रदेश जैसे बिग लोकेशंस के लिए होने वाली है। प्रोग्राम लोकेशन के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है, नोएडा जैसे बिग लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस में इंजीनियरिंग डिग्री बी बी टेक आर मास्टर इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स ऑपरेशन रिसर्च पी जी इन डेटा साइंस ML मशीन लर्निंग फ्रॉम द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट 0 to 6 months ऑफ एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल एंड पाइथन। अगर आपके पास 0 to 6 months का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग क्वान्टिटेटिव एंड एनालिटिकल पाइथन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS Excel पावर पॉइंट एंड वर्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंस अकेडमिक परफॉर्मेंस हाईली मोटिवेटेड सेल्फ स्टार्टेड विद एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना अगर आपके पास 0 to 6 months का एक्सपीरियंस है। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस विद पावर बीआई टैब्लू और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन प्रेफेक्टिव मॉडलिंग मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस विद एक्सक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फटाफट जाके अप्लाई कर देना, काफ़ी अच्छी और बिग ये हायरिंग होने वाली है काफ़ी अच्छी और बिग लोकेशंस के लिए। और चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब होने वाली काफ़ी अच्छी IQVIA कंपनी की तरफ से आ रही, काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है। यहाँ पे एक बार फिर से कंपनी हायरिंग कर रही है सर्वर इंजीनियरिंग रोल के लिए, काफ़ी अच्छा और बिग रोल होने वाला है। और न्यू दिल्ली जैसे बिग लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। अगर आप सर्वर इंजीनियरिंग रोल में इंटरेस्टेड हो जाके अप्लाई कर सकते हो, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली लोकेशंस में न्यू दिल्ली लोकेशंस के लिए होने वाली है।
और यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्टेड ऑफ सर्वर रनिंग ऑन डिफरेंट इंटरप्राइज क्लासेस सॉल्यूशन माइग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट टू पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड और रिक्वायर्ड नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी की बात करें ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी विमवेयर विम स्पेयर नॉलेज ऑफ सर्वर हार्डवेयर एंड प्रेफर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, बैचेस को लेके कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, परसेंटेज की भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट आपके पास मिनिमम 60% या उससे अबव है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो, फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट जॉब कियोस्क का जैसे बिग कंपनी की तरफ से आ रही है, स्टेट्स इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है, बेंगलुरु जैसे बिग लोकेशंस के लिए हायरिंग होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास 0 to 1 year का एक्सपीरियंस है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 2021 और 22 बैच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक बीएस मैकेनिकल एंड एरो नेचुरल इंजीनियरिंग फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली एंट्री लेवल की, फटाफट जाके अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही थी मैंने आप सबको पूरा अच्छी तरीके से बता दिया है। इसके बाद भी कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना और जाके अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक ऑनलाइन करियर पोर्टल के साइट को विजिट नहीं किया है, चैनल को जाके विजिट करना, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पे देखने को, अभी भी लिंक एक्टिवेट है, फटाफट जाके देखना और अप्लाई कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज़।